बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम टॉपिक 9.3 को कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ हम कवर करेंगे जिसे स्टार्ट करें वीडियो, वो है मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि मुसलस के वस्तानिये। ये पेज सारा कुछ पेज 190 से शुरू हो रहा है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि ट्राइंगल का वस्तानिया ये होता है या मीडियन ये होता है कि जैसे ये एक साइड है, बल्कि ट्राइंगल पूरी बना लेते हैं ए बी और सी। वस्तानिया ये होता है कि कोई साइड लें, बल्कि आपको तीनों साइडों के लेने होते हैं। इसके सेंटर पॉइंट को ढूंढ के तो इसके जो इस साइड के जो सामने वाला एंगल है ना, उससे मिला दें। इसी तरह इस साइड का जो सेंटर पॉइंट है इसको इससे मिला दें। इसी तरह इस साइड का सेंटर पॉइंट जो है उसको इससे मिला दें सामने वाले एंगल से। तो ये अगर ठीक बनी हो तो एक ही पॉइंट से गुजरती है, और इनको आप कहते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करें कि इसमें सबसे पहले आपने सेंटर पॉइंट ढूंढना है। आपको सेंटर पॉइंट ढूंढना तो आप सीख चुके हैं कि कोई भी लाइन हो उसका सेंटर पॉइंट ढूंढना, तो सेंटर पर रख के इधर को आर्क लगाई, इधर को लगाई, फिर इधर रख के इधर को लगाई, इधर को लगाई, इनको मिला दिया तो ये सेंटर पॉइंट आ गया। आप मेरे में तो ऑफकोर्स सही नहीं आया, लेकिन तरीका ये, अभी खैर स्टेप्स करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिर ये पॉइंट आ गया, जैसे फर्ज करें कि इसका आ गया, तो फिर इसको दूसरे पॉइंट से मिलाना सामने वाले के, वो तो सीधी सादी एक लाइन लगाने वाली बात है। अब हम एग्जांपल करेंगे जो उन्होंने बुक में दी हुई है, इस तरह हम सीख भी लेंगे और हमारी एग्जाम्पल भी कवर हो जाएगी। एग्जाम्पल में कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी बनाए, जिसमें ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और सी ए जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो मैं ए बी को नीचे रखने लगा हूँ, ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये पॉइंट सी आ गया, तो ए सी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले ए बी को बनाया जो कि 8 सेंटीमीटर है, ये ए ये बी, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपने ए बी बना दिया, बी सी ए 6 सेंटीमीटर है, तो सी ए यानी कि ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो ए पे मुझे रख के 6 सेंटीमीटर की एक लगानी है कॉस या वो कॉर्ड लगानी है। तो मैं ए के ऊपर रख के ऐसे करके लगा रहा हूँ जी 6 सेंटीमीटर की। अब ये भी हो के, अब बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो बी के ऊपर 4 सेंटीमीटर की मुझे कॉर्ड लगानी है, तो बी के ऊपर रख के मैं ये 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड लगा रहा हूँ। जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो मेरा पॉइंट सी है, ठीक है। तो पॉइंट सी को मैं फिर ए से और बी से मिलाने लगा हूँ। ठीक है, अब मेरी ट्रायंगल बन गई। ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या करना है कि इनके मीडियंस बनाने हैं। बहुत ही आसान है, जैसा मैं सिखा चुका हूँ आपको। आपने सेंटर से थोड़ी सी ज़्यादा खोली, इधर लगाया। अब इसे मसला ये कि ये चूँकि काफ़ी ज़्यादा होंगी तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, तो आपने फिर ध्यान रखना होगा। तो ये लगाया और ये लगाया। अब सेंटर पॉइंट के लिए अब आपको ये सीधी लाइन नहीं लगानी, आपको बेसिकली सेंटर का पॉइंट देखना है। तो आप सीधी मींस कि आपने सीधी नहीं लगानी, से मेरी मुराद ये है कि आपने डॉटेड लाइन लगानी, क्योंकि आपने बेसिकली पॉइंट ढूंढना है और उस पॉइंट को आपने असल में सी से मिलाना है। तो आपका ये जो पॉइंट आ गया इसको आप सी से मिलाएंगे, तो ये इस ट्रायंगल का मीडियन बन जाएगा। ये ले, एक बना इस साइड के हिसाब से। अब ये स्टेप बीसी वाली साइड पे भी करने हैं, तो ये देखें बी पे रख के इधर को लगाया, इधर को लगाया, फिर सी पे रख के बगैर प्रकार को छेड़े हुए इधर को लगाया और इधर को लगाया। अगेन इससे हमें सेंटर पॉइंट मिलेगा, बीसी का मीडियन नहीं मिलेगा।
मीडियन अभी हमें बनाना है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने मिला दिए डॉटेड लाइन से, क्योंकि मुझे सेंटर पॉइंट चाहिए। अब इस सेंटर पॉइंट इस लाइन जो है इस बी सी के ऊपर है, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो इसको मैं ए से मिलाने लगा। ठीक है, आपने दो बना दिए, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, होपफुली जो तीसरा वाला है वो भी इसी से गुजरेगा। अब ए सी का सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं, तरीका वही है। डॉटेड लाइन आपके इधर से जरूर गुजरे, इसको टच करें ताकि पॉइंट पता चले। अब इस पॉइंट को आपने जो अपोजिट साइड है बी उससे मिलाना है। सॉरी, यहां से यू, इस लाइन को इधर इससे आगे एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट आ गया, तीन मीडियन आ गए और ये देखें तकरीबन एक ही जगह से गुजर रहे हैं। यहां के आपको नाम देने पड़ेंगे डी ई एफ, वो तो खैर आप स्टेप्स करते हुए साथ साथ दे देंगे। मैं आपको ज़रा इसका क्लोजअप भी दिखा देता हूँ, ये देखें तकरीबन ये एक जगह से ही गुजर रहे हैं। अब बुक पे उन्होंने गौर कीजिए कि लेबल से तीन चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ वो ये है कि अगर आपकी ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, यानी कि हादा हो, तो उसके तीनों मीडियन जो है ना वो बेचारे जैसे भी होंगे वो एक दूसरे को ट्रायंगल के अंदर ही कट करेंगे। ठीक है जी, अच्छा फिर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो दूसरी तरह की राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 वाली, अच्छा इसमें भी वो कह रहे हैं कि सारे के सारे कहीं अंदर ही टच करेंगे किसी ना किसी पॉइंट पे। ये राइट वाली है, राइट एंगल वाली यानी कि कायमा वाली है, कायमा जाविया वाली, और तीसरी वाली जो आती है वो ऑब्ट्यूज एंगल या मुनफरजा वाली 190 से एंगल। उसकी भी मज़े की बात यह है कि सारे के सारे जो हैं वो भी ट्रायंगल के अंदर ही कहीं कट करेंगे। तो मीडियन जो हैं सारे, चाहे किसी भी तरह की ट्रायंगल हो, इधर मैं लेबल कर दूँ, वो सारे के सारे अंदर कट करते हैं। देखिए अंदर अंदर और अंदर। अगला टॉपिक है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल का या मुसलस का इर्तफा। इर्तफा ये होता है कि ये ट्रायंगल है, आप आपको पता है, मुझे मालूम है, लेकिन बहरहाल टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो कर देते हैं रिपीट इसे। तो यहां से आपने सीधी लाइन जो 90 का एंगल बनाए वो बनानी है, इसे कहते हैं आप इर्तफा या अल्टीट्यूड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेंटर पे गिरती है नहीं गिरती, इस लाइन के से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे ए बी है, ये जरूरी नहीं कि सेंटर पे कहीं भी आ सकती ट्रायंगल की शेप के मुताबिक। ठीक है, इसे कहते हैं आप इर्तफा। अब जैसे फर्ज करें कि ट्रायंगल अगर ऐसे करके हो, यहाँ से मैंने एंगल तो मैंने 90 का बनाना, तो ये देखें सेंटर से कितना दूर है, तो इससे कहते हैं इर्तफा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें आपने एंगल 90 का बनाना है, दैट साइड, और आपका कोई इसमें वो इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ एंगल 90 का होना चाहिए ये वाला, यानी कि इसके ऊपर, इस लाइन से ऊपर ऐसी लाइन खींचनी नीचे को जो 90 का एंगल बनाए। तो इसके बारे में उन्होंने स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं, वो लेके फिर हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब आपको पता है कि हमने जब कुछ देर पिछली वीडियो में गालबन जब हमने डिस्कस किया था कि आपने फर्ज करें 180 का एंगल हो, उसकी आपने तसनीफ करनी हो, तो आपको मालूम है ना कि आपने हमने क्या किया था, वो स्टेप्स सारे याद हैं। तो उससे मिलते जुलते स्टेप्स इसके हैं, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल से इंशाल्लाह ये खासा क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, इसमें वो दो तीन केसेस की भी बात कर रहे हैं कि वो इस पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज कोई भी हो, बनाने का तरीका वही है। पहली वाली, उन्होंने एक ऐसी ट्रायंगल, उन्होंने ये डेटा नहीं दिया हुआ, ये मैं पेज 191 की बात कर रहा हूँ, इसमें डेटा नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने बताया है कि अगर आपके जो आपने ये इर्तफा बनाना है या ऑल्टीट्यूड बनाना है, वो एक ट्रायंगल की ऐसी साइड पे बनाना, जैसे अब यहाँ से मैं नीचे को ऑल्टीट्यूड ला रहा हूँ ए बी, तो ये वाले जो एंगल्स है ना इस साइड के, ये सारे एक्यूट एंगल हों, हादा जावी हों। इसकी क्या अहमियत है, वो जब आप दूसरा केस करेंगे ना आपको अंदाजा होगा, लेकिन पहले वो इसको डिस्कस कर रहे हैं कि इसका कैसे बनाना है। इसका तरीका यही है कि अब क्योंकि उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि ट्रायंगल का कोई डेटा क्या है, तो मैं आपको ना वैसे एक खुद से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, फिर आपको मैं सिखा देता हूँ कि कैसे बनाना है। एंगल हम सारे के सारे जो है वो एक्यूट एंगल ले लेते हैं, अब फर्ज करें कि मुझे इस साइड पे जिसको मैं ए बी और सी कहता हूँ, अब इस साइड के ऊपर मुझे ऑल्टीट्यूड गिराना है, इर्तफा बनाना है। इसके देखें इस साइड के एंगल सारे एक्यूट एंगल हैं। इसका तरीका ये है कि यहाँ पे कंपास रखें, इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल के ना इस लाइन से ऐसे करके लगा दें, ठीक है। अब आपके पास इस लाइन के ऊपर एक ये पॉइंट आया और एक ये पॉइंट आया, ऑफ कोर्स आप इन्हें लेबल करेंगे इन पॉइंट्स को किसी ना किसी तरह। बाद में कंपास को इनके ऊपर रख के, तो आपने ऐसे करके थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा खोल के ना कंपास को सेंटर से ऐसे करके लाइन लगानी है। तो अब आपका ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को आप सी से मिला दें, ये आपका इर्तफा बन गया ए बी के ऊपर सी से। अच्छा, अब आप चेक करना है 90 का है कि नहीं है। ये देखिए, मैं इसको सेंटर के ऊपर रख के इधर, तो मैं एंगल देखने लगा हूँ, ये बिल्कुल 90 का, ठीक है, 90 का बन गया। ये आपको मैंने तरीका सिखा दिया। अब दूसरी वाली जो पॉसिबिलिटी है, उसमें ये कहते हैं कि ये वाला जो एंगल जिस साइड पे बनानी है उधर ऑब्ट्यूज एंगल हो, वो मैं अगली वाली वीडियो में कवर करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ जो है वो बैटरी ख़त्म होने की वजह से ज़रा मुझे यहाँ तक महदूद रखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो टॉपिक कवर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।